VA - VB निकालना है बेटा हमको, तो वैसे नहीं करेंगे कि I1 इधर माने और I1 - I2 इधर जा रही है, ठीक है ना। I2 इधर मान ली, I1 - I2, फिर इसके लिए आपने इक्वेशन लगा रहे हैं, फिर इसके लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे बेटा हम इसको, ठीक है ना। ये हम 12th में अगर करते थे तो करते थे, बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। हम एक बहुत बड़ा हथियार हमें मिल चुका है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सलोनी आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही निकाला होगा आपने, बहुत अच्छी तरह लिख भी दिया है मेहनत से, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें हम बाकी सब देखेंगे इधर। हाँ राधिका, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट है आपका, तो हम ऐसे नहीं करेंगे बेटा। देखो I1 I2 और फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, मैंने बोला आपको पोटेंशियल निकालने की कोशिश करिए हर पॉइंट पर, क्या पता आपका एक ही लाइन में आंसर हो जाए, जैसे कि इसमें हो रहा है, ठीक है। और मैंने जीरो मानने का भी बताया है, जहाँ बैटरी के टर्मिनल्स मिल रहे हो, दैट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर असाइनिंग जीरो वैल्यू वाइल अप्लाइंग नोडल टेक्निक, ठीक है। तो ये आपकी कौन से, यहाँ पर ये आपके पॉइंट्स हैं सारे, यहाँ पर कि आपको क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 0। और जैसे ही आपने बैटरी को क्रॉस करा, तीनों पॉइंट के पोटेंशियल आपको इमिडिएटली मिल गए, E1 E2 E3। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, सबको बात आ रही है समझ में। यहाँ आपने जीरो मान लिया और इस बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया, E1 इसके कितना आ गया, E2 इधर कितना आ गया, E3, यहाँ का आपको नहीं पता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे एक्स पोटेंशियल मान लेंगे, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, यहाँ पर पोटेंशियल कितना असाइन कर दिया, एक्स असाइन कर दिया। तो अब क्या आपके सारे, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, एक ही वेरिएबल बन रहा है, बाकी सब पता है आपको, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इसी तरह आप इक्वेशन बता सकते हैं बेटा, एक्स के लिए कैसे लिखूं मैं इक्वेशन। इन पे यहाँ कह रहे हो यस आप? हाँ वही बता रहा हूँ ना बेटा, आप ट्रेवल करो, यहाँ पर कोई बैटरी या रेजिस्टेंस कुछ आ रहा है क्या यहाँ से यहाँ तक? बस हाँ, वो इक्वेशन बोलो, आप कैसे बोलोगे, लिखोगे, बताओ जल्दी बताओ। मतलब ऐसे लिखो बेटा, ऐसे लिखना सीखो, एक्स हाई पोटेंशियल पर है, यहाँ ई1 है, एक्स माइनस ई1 अपॉन R1, V/R होती है करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो एक्स माइनस ई1 अपॉन R1 प्लस, यहां से इधर भी जा सकते, तीन रास्ते हैं, तीनों का सम जीरो करना है आपको, तो इधर क्या करोगे आप, एक्स माइनस E2 अपॉन R2, इधर क्या करोगे, एक्स माइनस E3 अपॉन R3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल टू कितना आ गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, ठीक है। सीधा आंसर आ गया बेटा एकदम, एक्स माइनस जीरो ही आंसर है आपका, VA - VB मतलब एक्स की वैल्यू ही आंसर है, कितना है, एक्स माइनस जीरो इक्वल टू एक्स, और एक्स यहाँ से लिख दीजिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गई, ठीक है। क्लियर है आपको ये? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्स वोल्ट, इतने वोल्ट, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, सेम आंसर रहता है, फिर ऐसा मत कहिएगा मैंने बताया नहीं सर, आपने आपने तो लूप के लिए नोडल बताया था, कैसे भी आ जाए बेटा, एक पार्ट ऑफ द सर्किट शोन है आपको, जैसे हम डील कर रहे थे। यहाँ का पोटेंशियल तीन पॉइंट का आपको, आगे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, हमें तो इतना पार्ट दिख रहा है बस, वही काम का है हमारे लिए, ठीक है ना। V3, और ये दे रखा है आपको R1 R2 और R3, इस तरह का सर्किट गिवेन है, करंट वरंट और कुछ नहीं बताइए, तो बस सीधा पूछ रहा है, पार्ट ऑफ द सर्किट इज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट O, यार कैसे लिखता है, बोलेगा पार्ट ऑफ सर्किट इज शोन इन द फिगर, ऐसे लिखता है इसको, ठीक है ना। पार्ट ऑफ सर्किट इज शोन इन फिगर, पार्ट ऑफ सर्किट इज शोन इन फिगर, फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो ऐसा ही आंसर आएगा जैसा भी आपने ऊपर निकाला है, अगर आप ध्यान से देखें तो, फाइंड आउट, जाएगा।
हाँ फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, तो आप क्या करेंगे, ऊपर कुछ एक्स मान लेंगे, ठीक है, फिर वही कहानी, तीन रास्ते, तो आपको देखो यस फटाफट निकल रहा है आपका, क्या करेंगे, एक्स माइनस बी वन अपॉन आर वन, किसी को दिक्कत तो नहीं, दूसरा एक्स को हायर पोटेंशियल पर मानते हुए लिख रहे हैं ऋषिता, आपको बिल्कुल लिखना आ रहा है बेटा इक्वेशन, एक्स माइनस वी थ्री अपॉन, देख लो कोई डाउट तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। केतन आप बताइए, कोई तकलीफ आपको इसमें? ओके गुड, तो ये वैसे ही आ जाएगा, वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू प्लस वी थ्री अपॉन आर थ्री, ठीक है, और कितना आ जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो इस तरह से आपकी भी ये नोडल मैस्टर की धीरे धीरे इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, ठीक है ना, एक आप कर लीजिए जल्दी से फटाफट।